नमस्कार आपण देखुछंती आमे तो कहिबो महाराष्ट्रे वर्षा करुछि प्रभूत क्षयक्षति पुणेरे कांथ भुसुड़ी 16 जण बस्ती बासिंदा मृत्युर दिन केटा बीतीछि किंतु पुणी थरे गत राति रे पुणी वर्षा खेलाइछि तांडव पुणे समेत तीनटी स्थान रे पुणी कांथ भुसुड़ी आउ एथर भी 21 जणकर मृत्यु होइछि। मलाड ईस्ट कल्याण और पुणे रे ए दुर्घटना घटी। मलाड ईस्ट रे 12 जण लोकंकर मृत्यु होइतिबा बेले कल्याण रे 3 जण कांथ तले चापी होइ गले। पुनेर सिंगड कॉलेज रो कांथ पड़ीबा फल रे 6 जण लोकंकर मृत्यु हैला। ए सबु दुर्घटना अधराती रे घटी आ प्राण हरायतिबा लोकंक परिजन को पई मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 5.5 लाख टंकार क्षतिपूरण घोषणा करिछंती। प्रबल वर्षा भितर कांथ तले पड़ीबा मृतदेह को उद्धार करबाकु उद्यम चली। सेपटे एनडीआरएफ टीम चलाई उद्धार कार्य आहत को जोगेश्वरी ट्रॉमा केयर सेंटर एवं कांदिविली रो शताब्दी हॉस्पिटल रे भर्ती करा जाय छी। सारा देश रे जदि कहिबा वर्तमान वर्षा विपात चलीबा बेले जदि महाराष्ट्र कथा कह लगातार महाराष्ट्र रे वर्षार विनाश लीला देखा मिली। लगातार मृत्युवरण करुछंती महाराष्ट्र रे विभिन्न स्थान रे वर्षा हेबा फल रे कांथ भुसुड़ीबा फल रे पुणे रे कांथ भुसुड़ी 16 जण बस्ती बासिंदा मृत्यु होइतिला 2 दिन तले किंतु पुणी गत राति रे वर्षा खेलाइछि तांडव। पुणे समेत 3टी स्थान रे कांथ भुसुड़ीबा फल रे 21 जणकर मृत्यु होइछि। मलाड ईस्ट कल्याण एवं पुणे रे दुर्घटना घटी। मलाड ईस्ट रे केवल 12 जणकर मृत्यु होइतिबा बेले कल्याण रे 3 जण कांथ तले चापी होइ प्राण हरायछंती। सेपटे पुणे रो सिंगड कॉलेज रो कांथ पड़ीबा फल रे 6 जण लोकंकर मृत्यु होइछि। तो जो भली भाव जदि कहिबा वर्षा रे जो पूरा बेहाल हो जाइछि महाराष्ट्र रो मुंबई शहर जदि कहिबा एवं अन्यन्य स्थान आपण जो दृश्य देख पारछंती मुंबई रो से लोकल ट्रेन रो दृश्य जो लोकल ट्रेन किछि मात्र वर्षा हेले लोकल ट्रेन अचल हो पड़े कारण ट्रेन रो लाइन उपरे ट्रेन पटरी उपरे पानी जमी जाए एवं तार चित्र सहित आप देख पारछंती सारा मुंबई शहर रो पूरा रास्ता घाट पूरा महाराष्ट्र कथा कहबा जदि विशेष करी मुंबई शहर जदि रास्ता घाट कथा कहबा केमती पानी जमी रहिछि एवं गाड़ी गुड़िक जाउछि प्राय अधा कहबा गाड़ी रो अधा जो उच्च अछि ता समग्र पानी रे भितरे बुड़ी रहिछि। लोक माने मध्य प्राय आंठुए पर्यंत पानी जमुची आंठुए रु अंटाए पर्यंत पानी जमुची तारी भितर जनजीवन एक प्रकार अस्तव्यस्त हो पड़ी मुंबई शहर रे एवं अन्यपटे कांथ तले चापी हो कांथ भुसुड़ी जीवा जो 21 जनकर जीवन जाइछि। पुणे रे एवं ता सहित मलाड ईस्ट रे एवं जदि कहिबा कल्याण रे सब स्थान रे वर्तमान वर्षा विपात देखा मिली। पीछे के बाजू में पूरा पानी भर गया था तो अंदर आना चालू हुआ था। उसके बाजू में दीवार का ईंट तोड़ दिया उधर का और उसके बाद हम लोग उधर का दीवार का ईंट तोड़ के बाद फिर वापस आया और दरवाजे में खड़ा था। उतने टाइम में उधर से पानी का फोर्स आया। फोर्स आने के बाद मेरे छोकरा बोलते पापा आगे मत जाना तो तू पीछे आना। उतने टाइम में स्पोट हुआ ऐसा मेरे सामने सब झोपड़ी पूरा एक साथ नीचे आया कि जो पीछे जो दीवार बनाया है ये दीवार के अंदर पहले एक नाला था तो पानी फोर्स से आता था। उस टाइम ऐसा हो गया कि वो लोग ने नाला भी पैक कर दिया। नाला पैक करने से क्या हुआ कि पानी आने के लिए जगह ही नहीं बचा और जगह नहीं बचा इसके वजह से पानी के फोर्स की वजह से ये पूरा रात को मतलब नाले का जो फोर्स आया पानी का वो पानी में पूरा लोग चले गए। अभी तक मेरे ख्याल से मैं गया था हॉस्पिटल में 12 या 13 लोग अभी तक वहाँ पे बच्चे से लेके मतलब लेडीज तक मतलब मर चुके हैं और बाकी जब उनकी हम लोग चालू है ढूंढ रहे एक जन को है नहीं ऐसा जो पुलिस की आधिकारिक पुष्टि है उसमें 14 लोग की मौत हो गई और लगभग 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। अगर मैं दिखाऊं आपको कि यहाँ पर जो बीएमसी के अधिकारी के साथ साथ जो मुंबई फायर ब्रिगेड के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है और देख सकते हैं कि जो पूरी की पूरी वॉल है वो जो झोपड़े बने थे उसके ऊपर गिर गई थी और यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और कोशिश की जा रही है कि जो लोग यहाँ पर साइड फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। अगर मैं अपने कैमरामैन रमाकांत तिवारी से बोलूँगा आगे आके देख सकते हैं कि जो पूरी वॉल है आप देखते हैं कि इतना बड़ा एरिया है यहाँ पर पूरे इलाके में झोपड़पट्टी है सिर्फ और रात के वक्त अंधेरे की वजह जब सब लोग सो रहे थे तो मुंबई में काफ़ी ज़्यादा तेज बारिश हो रही थी जिसकी बारिश की वजह से अगर मैं अपने कैमरे से उधर से बोलूँगा तो आप देखते वो जो वॉल देख रहे हैं वो वॉल का हिस्सा लगभग 50 फीट का जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से गिर कर झोपड़पट्टी पर गिरा है और इसी झोपड़पट्टी गिरने की वजह से 14 लोग की मौत हो गई है और लगभग 50 से ज़्यादा लोग घायल हैं और कोशिश की जा रही है कि इस मलबे में शायद कोई दबा हो तो उसे जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए और एनडीआरएफ की टीम को भी सूचना दी गई है वो भी मौके पर पहुंच रही है। मुंबई से कैमरामैन रमाकांत तिवारी के साथ विवेक गुप्ता न्यूज़ 18 इंडिया।
ସେହିପରି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର 7 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 4 ଓ 5 ଜୁଲାଇରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଡେରାଡୁନ, ହରିଦ୍ୱାର, ଟିହିରି, ନୈନିତାଲ, ଚମ୍ପାବତ, ପୌଡ଼ି ଓ ଉଦ୍ଧମସିଂ ନଗରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଜାରି ହୋଇଛି ଆଲର୍ଟ। ତେବେ ରନ୍ୱେରେ ଖସିଗଲା ବିମାନ, ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତିଲା ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ର ଏରୋପ୍ଲେନ୍। ବର୍ଷାର ମାଡ଼ ସହୁଥିବା ମୁମ୍ବାଇରେ ଅଧରାତିରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଟଳି ଯାଇଛି। ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ର ଫ୍ଲାଇଟ୍ 6237 ଜୟପୁର ମୁମ୍ବାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ରନ୍ୱେରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଜୟପୁରରୁ ଆସି ମୁମ୍ବାଇର ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ମୁଖ୍ୟ ରନ୍ୱେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ର ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 3 ରୁ 4 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତ ଲାଗିଛି, କୌଣସି ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ବେଶୀ କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମାସ୍କ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ଆସିଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇରେ ଗଲା 3 ଦିନ ହେଲା ଲଗାଣ ବର୍ଷା ତାଣ୍ଡବ ଖେଳାଇ ଚାଲିଛି। ତେବେ ବିଏମ୍ସି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ ବର୍ଷା ଗତ 10 ବର୍ଷରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ। ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ପୁରା ଜୁନ୍ରେ 550 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଗତ 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। 3 ରୁ 5 ଜୁଲାଇ ଭିତରେ 200 ମିଲିମିଟରରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। କେବଳ ମୁମ୍ବାଇ ସହର କି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ଆମେ ଯଦି ଆମ ରାଜ୍ୟ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏକଦମ ସଙ୍ଗୀନ ସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ। ଆଉ ଯଦି କଟକ ସହର କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି କଟକ ସହର। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବର୍ଷା ପାଣି ନିଷ୍କାସିତ ନ ହୋଇପାରିବାରୁ ସହରର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳବନ୍ଦୀ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ 3 ଫୁଟର ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ବାଦାମବାଡ଼ି, ପଟାପୋଲ, ମେରିଆ ବଜାର, ଓଡ଼ିଆ ବଜାର, ହରିପୁର, ବାରପଥର ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ସଙ୍ଗୀତ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ପଶୁଛି। ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପମ୍ପ ବି ଲଗାଯାଇଛି। କଟକରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଜୟ ମହାନ୍ତି। ବର୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କଟକବାସୀ କେତେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଜୟ, ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଏବଂ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ଏହି ସମୟକୁ ଫେରି ଆସିବା, ଏହି ସମୟର ସ୍ଥିତି ଯଦି ଆମେ କହୁଛେ, କଟକରେ ସ୍ଥିତି ବେହାଲ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସମୟର ସ୍ଥିତି ପୁଣି ବର୍ଷେ ପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଟକରେ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ଥିତି, କ'ଣ ରହୁଛି କଟକବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାତି, ଯାହା ଆପଣ ସୂଚନା ରଖୁଥିଲେ, ହଇରାଣ ହରକତ ହେବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ବୋଲି ଏବେ କଟକବାସୀ କହୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ମନ ଦୁଃଖରେ। ଏବଂ ସେହି ଚିତ୍ର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମୌସୁମୀ ଆରମ୍ଭରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭରୁ ଗତକାଲି ରାତିର ଯଦି ଆମେ କଥା କହିବା, ରାତି ଯାକ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଯଦିଓ ବର୍ଷା ଜୋରରେ ଏତେ ଜୋରରେ ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ବର୍ଷା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଥିଲା ରାତି ଯାକ କାଲି, ଏବଂ ତାର ପ୍ରଭାବରେ କଟକ ସହରର ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଆମେ କହିପାରିବା ରାଉସାପାଟନା ଅଞ୍ଚଳର, ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋପବନ୍ଧୁ ବିହାର ବୋଲି ଯେଉଁ ଲେନ୍ ଅଛି, ନୂଆ ରାଉସାପାଟନା ବୋଲି ଆକୁ କୁହନ୍ତି, ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଗୋଟେ ଗଳିର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୟାନ କରୁଛି କିଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ସ୍ଥିତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଲୋକମାନେ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ଏକାକାର ହୋଇଯାଇଛି ବର୍ଷା ଜଳ ସହିତ। ପୁଣି ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା, ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ସମସ୍ୟା କଟକ ସହରରେ ଚିତ୍ର କେବଳ ଏଠି ଏମିତି ନାହିଁ, କଟକ ସହର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ରହିଛି, କାଜି ବଜାର କୁହନ୍ତୁ, କିଛି କିଛି ଲୋ ଲାଇନ୍ ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ରହିଛି, ଯଦିଓ ପୁରା ସହର ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ ଯେମିତି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ, ସେ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଯଦି 100 mm ରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଲା 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତେବେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ସହରରେ ଜଳ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଆଜି ଅନେକ ପିଲା ଆଜି ଏହି ଗଳିର ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ଘରକୁ ଆଜି କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକେଟ ଆସିନି ସକାଳୁ, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, ପଚାରି ଦେଖୁଛନ୍ତି
तो जिभली भाव आम प्रतिनिधि जय महांती सूचना देउथिले एवं जहां आपण चित्र मध्य देखि पारुछंती जदियो वर्षार आरंभ मात्र कारण जून मासरे वर्षा से भली भाव रे होई नाही 34% कम वर्षा रेकर्ड करा जायछि किंतु जुलाई मासरे जेतेले वर्षा आरंभ होई छि एवं वर्षार आरंभ रही कटक कहतु राजधानी भुवनेश्वर कहतु भद्रक कहतु बालेश्वर कहतु सब आड़ कर आम चित्र देखु सब स्थान बर्तमान जो कटक चित्र आप देखुंत वर्षा आरंभ रु एभली स्थित उपजिला स्थान जो तलिया अंचल कहतु अबा आखपाख अंचल कहतु बर्तमान जलबंदी अवस्था अच्छा समस्ते पुणे आसन जा कटकवासी कौन कहते जाना जय जहाँ आप कथा होते जहाँ कटकवासी कहते प्रत वर्ष एभली स्थित उपजुची किंतु बेहाल हो पड़ी से जनजीवन भी कौन आसूँ प्रतिक्रिया वर्षा भी लागी रही थी लगातार आमे आपन को चित्र देखो जो कटक सहर एवं कटक सहर गोटे बड़ समस्या है गलिकंदीर सहर एवं तारि भितरे नाळ नर्दमा जो बड़ बड़ नाळ गुड़िक अछि से नाळ गुड़िक रास्ता सहित पानी एकाकार हो जाए नाळ पानी गुड़िक रास्ता रे जमी रहे सेटा गोटे बड़ समस्या कटकवासी जितेबाला नाळ पानी आसी रास्तार चले नाळ नर्दमार अलिया अवर्जना सबकि रास्त मिसी जाए ता गोटे एक दृश्य एमती देखा मिले जहाँ हुए तो सही हुए नी कितु तार भितर कटकवासी प्रति वर्ष एभली स्थित दे जुझुंत किंतु कटक महानगर निगम तरफ प्रत वर्ष सफे दि जाऊँगी प्रत वर्ष प्रतिश्रुति दि जाऊँगी कि स्थित संगीन होगा पूर्व ही संभाला जलबंदी लोक मैंने ना कि जो प्रतिश्रुति केवल पानी गार हो रही जावल कटक सहर नुहति पूरा राज्यर स्थित यही आउ कटक जिते वर्षा वित्पात आरंभ हो बर्षा तार तांडव लीला देखा आरंभ कला जुलाई आरंभ रु सेतबेले देखिबा अनेक स्थान जलमग्न हो रही जहाँ आम प्रतिनिधि कहते आज सकाळु घरे कहा घर को क्षीर पैकेट भी आसीनी आ स्कूल पिला माने स्कूल को जाई पारु नाहंती कारण नाळ नर्दमा पानी आ वर्षा पानी जेतबेले रास्ता रे जमी रही लोके से पानी भितरे चाली की जीवा कष्टकर